नमस्कार दोस्तों, मोहन जरिक्स में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, और उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ये क्वेश्चंस गेट, ईएसी या वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन लेक्चर्स को सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और जानना है कि इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है। लेकिन इन्हें सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, और वो फॉर्मूला कैसे आया ये भी बताऊंगा, जिससे आपका बेसिक क्लियर रहे। तो चलिए जल्दी से उस फॉर्मूले को समझते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं xt = a0 e to the power j omega0t। इसका हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि टी नॉट बी द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एक्सटी। ठीक, तो अगर टी नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड है तो पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि एक्सटी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट। देखिए प्लस माइनस में मैं अभी क्या लेता हूं, चलिए प्लस ले लेता हूं। इसमें हम कुछ भी ले सकते थे लेकिन मैंने अभी प्लस लिया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। देखिए xt का वैल्यू क्या हुआ है इक्वेशन वन में, इसको इक्वेशन वन बोल देता हूं। इक्वेशन वन में xt का वैल्यू क्या है, a नॉट e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t। ठीक है, अब xt प्लस t नॉट का वैल्यू क्या होगा, जस्ट हम t के जगह t प्लस t नॉट लिख देंगे। तो e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस टी नॉट। अब बचपन में हम जैसे मैथ सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको, ए नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, और क्या लिख सकते हैं इसको, इन टू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी नॉट, है कि नहीं। जैसे एक्स टू दी पावर एम प्लस एन क्या होता है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, उसी फॉर्मूले को मैंने यहां अप्लाई किया है। अब क्या होगा इसके आगे, a नॉट e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू a नॉट e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t इंटू e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t नॉट। अब मैंने यहां पर इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब देखिए इस साइड में ए नॉट और ये नॉट कैंसिल हुआ, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t और e टू द पावर j ओमेगा नॉट t कैंसिल हो गया। मतलब कि क्या बचा, मतलब कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट t नॉट इक्वल टू यहां क्या है, 1। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ये 1 को हम e के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, e टू द पावर जे टू पाई के, मतलब यहां के क्या है, के इज अ इंटीजर। ये बेसिक मैथ्स है हमारा जो कि हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, e टू दी पावर 2n पाई i का वैल्यू 1 होता था। ठीक है, तो उसी को हमने यहां क्या लिख दिया, e टू दी पावर j 2 पाई के लिख दिया है, n के जगह k लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चलता है दोस्तों, जी हाँ, ओमेगा नॉट टी नॉट इक्वल टू 2 पाई के। ठीक है, अब टी नॉट इक्वल टू यहां से क्या आएगा, टी नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट के। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड का बेसिक डेफिनेशन में ही बताया था कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और ये स्मॉलेस्ट कब होगा इस केस में, जब k का वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा, और k का वैल्यू स्मॉलेस्ट कब होगा, k क्या है, इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1। इसीलिए टी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी नॉट इक्वल टू
पाई बाई ओमेगा नॉट, के का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि टी नॉट स्मॉलेस्ट होता है। बड़ा ही आसान था, इस तरह से हमारा टी नॉट का वैल्यू निकल गया। यही हमारा फॉर्मूला है किसका, फंडामेंटल टाइम पीरियड का। किसी भी सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी नॉट इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मूला समझ गए, और ये फॉर्मूला कैसे आया इसका बेसिक थ्योरी भी हम समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां दिया हुआ है 7 क्वेश्चन, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x1t इज इक्वल टू sin 4π t। तो ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, साइनोसोडियल फंक्शन है। तो जब भी साइनोसोडियल फंक्शन रहेगा दोस्तों, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कहना चाहिए, कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करो, साइन ओमेगा नॉट टी और साइन 4π t को, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आया, 4π। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, या पिछले एग्जाम्पल में बताया था, टी नॉट मतलब कि फंडामेंटल टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2π/ओमेगा नॉट, और यहां पर ओमेगा नॉट क्या है, 4π। तो जस्ट अब हम ओमेगा नॉट की जगह 4π का वैल्यू रख देंगे, तो 4π आ गया, पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो क्या आया टी नॉट का वैल्यू, 1/2। यही हमारा आंसर है, याद रखिएगा आप, टी नॉट का वैल्यू क्या आया, 1/2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x2t इज इक्वल टू sin 4π t + 30 डिग्री। तो ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओमेगा नॉट टी, अब इसमें प्लस 30 है, तो प्लस 30 क्या है, +5। तो यहां पर भी अल्टीमेटिवली ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है दोस्तों, ओमेगा नॉट का वैल्यू तो वही है 4π। तो इसका मतलब टी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π/ओमेगा नॉट, और 2π/ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर मैं 4π रख दूंगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, 2π/4π, तो इसका टी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। पिछले भी क्वेश्चन का आंसर टी नॉट का वैल्यू क्या आया था, 1/2। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या आया, मैं यहाँ पर आप लोग जाके भूले नहीं बोल के लिख देता हूँ, इन दोनों में फंडामेंटल टाइम पीरियड का वैल्यू आया 1/2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x1t - t0, ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x1t - t0 sin 4π t, के जगह मैं क्या लिखूंगा, t - t0, सिंपल। तो इसको अब मैं एक्सपेंड कर देता हूं, sin 4π t, और इसका फेज क्या आ गया, 4π t0। हाँ, तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे अभी बताया था ना आपको, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है sin ω0 t + 5। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा नॉट क्या आया, ओमेगा नॉट का वैल्यू 4π। पिछले क्वेश्चन में क्या था ओमेगा नॉट का वैल्यू, 4π। तो इसमें टी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, सिमिलरली फॉर्मूला लगाएंगे, 2π/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट का वैल्यू रख देंगे 2π/4π। तो टी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अल्टीमेटिवली इसका भी आंसर क्या आया, 1/2। आप लोग इसे गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप लोग इसे भूल ना जाएगा कि मैं यहाँ अभी लिख देता हूँ, इन सभी का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आया था, 1/2। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x4t = x1 - t। अब ये क्या है दोस्तों, आप बताइए, मैंने अभी तक के लेक्चर में आप लोगों को समझाया है, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसे क्या कहते हैं हम, टाइम रिवर्सल। अब टाइम रिवर्सल के लिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x1t में हम क्या करेंगे, यहां देखिए sin 4π t था, तो उसको क्या कर देंगे, sin 4π - t, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, sin - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, sin 4π t हो गया। अब जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि क्या है,
साइन ओमेगा नॉट टी, मतलब हमें इसके आगे पीछे क्या है वो सब तो गौर नहीं करना है, बस ओमेगा नॉट पे गौर करना है। तो यहाँ पर भी ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, जी हाँ 4 पाई, इसीलिए टी नॉट का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि पिछले तीनों क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टी नॉट का वैल्यू अगर फॉर्मूला से निकाले तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, यहाँ पर क्या है ओमेगा नॉट का वैल्यू 4 पाई, तो 4 पाई यहाँ रख दिया, इससे क्या आ गया आंसर टी नॉट का 1/2। इस तरह से पिछले चारों क्वेश्चन का आंसर का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आया, 1/2। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स टी इज इक्वल टू, मतलब एक्स 5t है फिफ्थ क्वेश्चन है बोल के, माइनस ऑफ एक्स 1t, तो भाई माइनस ऑफ एक्स 1t तो वही है माइनस ऑफ साइन 4π t। और हाँ आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, ये माइनस ऑफ एक्स 1t लिखने का मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ, जी हाँ एम्पलीट्यूड रिवर्सल। बड़ा ही आसान लग रहा है ना ये सारे सवाल। देखिए अब इसको फिर से उसी तरह कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, साइन ओमेगा नॉट टी से, तो यहां से ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा एज इट इज 4π, फिर टी नॉट का वैल्यू क्या आएगा सेम फॉर्मूला 2π बाई ओमेगा नॉट, इससे क्या हो गया 2π बाई 4π, पाई पाई कट गया, ये क्या गया 1/2। तो इसी तरह से पांचों क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1/2, ठीक है ये भी याद रखिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन, मतलब कि 1 प्लस x1t, ये क्या है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, क्योंकि हम इसमें एम्पलीट्यूड में ऐड कर रहे हैं ना, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। अब मैं आप लोगों को ऐसे क्यों बता रहा हूँ आप जल्द ही समझ जाएंगे दोस्तों, आई होप आप लोग गेस करने लग गए होंगे, पर ये बताने से पहले मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। तो 1 प्लस x1t क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 4π t, फिर से हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, होल इस सबको साइन ओमेगा नॉट टी से कंपेयर करेंगे, और ओमेगा नॉट का यहाँ वैल्यू क्या आ गया 4π, और जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं टी नॉट का वैल्यू भी क्या आ जाएगा यहाँ 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या समझ गए कि इन छयों क्वेश्चन का फंडामेंटल टाइम पीरियड, या फिर मैं टी नॉट लिखूं तो क्या आया 1/2। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहले क्या हुआ यहाँ देखो देखो, फेज शिफ्टिंग, मतलब कि चेंज ऑफ फेज, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ था टाइम शिफ्टिंग, और तीसरे में टाइम रिवर्सल, चौथे में मतलब कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड रिवर्सल, और सिक्स नंबर क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। इस तरह से हम समझ गए कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फेज, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इसी स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन पूछ देता है कई सारे एग्जाम में। मैंने अपने तैयारी के दिनों में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम दिया था, जिसमें कि पूछा था फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तीन दिया था और एक फोर्थ ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द अबव, जिसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। अब चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन स्क्वायर 4π t, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना, लेकिन आप अपने स्कूल के दिनों में मैथमेटिक्स को याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए आप लोग बताइए। जी हाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस cos 2θ / 2, सेम फॉर्मूला यहां लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin 2 × 4π t/2, ठीक है। अब इसमें 1/2 को मैं बाहर ले लिया और यहां 1 माइनस sin क्या हो गया 8π t। अब ये तो एम्पलीट्यूड है और ये क्या है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, तो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीधा इसको किससे कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा नॉट टी से, उससे हमारा ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां ध्यान दीजिए 8π आ गया। तो टी नॉट का वैल्यू तो अब आसान है, फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या है 2π बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आया था यहाँ 8π,
तो पाई और पाई कैंसिल हुआ, 2 4 8, इसका मतलब क्या आया, टी नॉट का वैल्यू 1/4। इस तरह से हमने ये सातों क्वेश्चन बना लिया जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को दिया था। उसी तरह फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, जिसमें कि दो साइन या फिर साइन और कोसाइन का एडिशन रहेगा और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी मैं एक आसान मेथड बनाकर रखा हूं जो कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने कोई भी क्वेरी हो तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।